नमस्कार, मैं हूँ सामाभिनाथी और सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं किस हालत में हूँ। सूट भी पहन रखा है, लेकिन ये सर पर लटकता क्या है? ये कोई खंजर नहीं बल्कि ये टोपी है। कौन सी टोपी? सुलेमानी टोपी नहीं, किसी हकीम के क्लिनिक पे लगा हूँ नहीं, मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। और मैं नहीं, मेरे साथ कई लोग जो आपको इस वक्त दिख रहे होंगे ये ग्रेजुएट हो चुके हैं। एक सनसनी फैल चुकी है। गुज़िश्ता कई रोज से शहरे कायद समेत पाकिस्तान भर में कन्वोकेशन हो रही है। और किसका सर जाता है ये सहरा? इतनी यूथ जो ग्रेजुएट हुई है, जिसने मास्टर्स किया है, वो क्या सोच रही होगी? क्या वो आनंद ले रही है इस वक्त? किस चीज का आनंद ले रही है? एक साइड पे माता, एक साइड पे पिता को खड़ा करके तस्वीर बनाई जा रही है, जो कि कुछ ही देर में सोशल मीडिया की जीनत बन जाएंगी और लोग खुश होंगे, उस पर रिएक्ट आएंगे। कोई हार्ट फेंकेगा, कोई लाइक फेंकेगा, कोई वाव करेगा, कोई बूमरैंग में अपनी कैप को करेगा और खुश होंगे। लेकिन आखिर में होने क्या जा रहा है? ये सारे लोग हैं मुस्तकबिल के मेमार। ये कुछ ही रोज में हो जाएंगे बेजार। इनको चढ़ेगा बुखार जब ये रहेंगे बेरोजगार। ना नौकरी होगी तो फिर ना छोकरी होगी, क्योंकि नौकरी भी आपको कोई नहीं देगा, छोकरी भी आपको कोई नहीं देगा। ये पाकिस्तान की तबाहाल इकोनॉमी का हाल है। ये पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते हुए डॉलर की वजह से हो रहा है। और प्रधानमंत्री इमरान खान, जिन्होंने वादा किया था ढेरों नौकरियों का, कहां गई वो नौकरियां? आज ये आवाम, ये यूथी बनते जा रहे हैं, और यूथी बनने के बावजूद भी नौकरियां नहीं पा रहे हैं। और आज ये नारे लगाते हैं मुबारक हो बेरोजगारी मुबारक हो। इतनी यूनिवर्सिटीज ने जो टोपी पहनाई है ये स्टूडेंट्स को पहनाई है, और पहनते जाएंगे ये टोपियां चलती रहेंगी और मुस्तकबिल तबाह होता जाएगा इन नौजवानों का। मैं उसामी नतीक एक बार फिर मिलूंगा आपसे। जय पाकिस्तान, जय पाक फौज।